नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। ये वीडियोस जो आप सबने अभी अभी देखे हैं, ये कहीं और के नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की ही धरती के। जी हां, ये दृश्य जो आप सबको अभी अभी दिखाई दिए, ये है हरिद्वार से सटे हुए गढ़मीरपुर के, और ये दृश्य मुहर्रम के समय के हैं। जी हाँ, चांद की 10 तारीख को मुहर्रम को मनाया जाता है और मातम के तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। एक कहावत ये भी है कि सिर्फ सिया लोग ही ताजिए निकालते हैं, लेकिन नहीं, ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब लोग सुन्नी समाज के लोग हैं जो ताजिए निकालते हैं हज़रत इमाम हुसैन की याद में, और गदगा पट्टा खेलते हुए वो शौक प्रकट करते हैं। और फिर पहले इन ताजियों को बनाने में 2 से 2.5 महीने की मेहनत लगती है, खर्च करके, मेहनत लगाकर, समय लगाकर इन ताजियों को तैयार किया जाता है। वो आप सब देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया जाता है, और फिर हज़रत इमाम हुसैन की याद में इन्हें शहीद कर दिया जाता है। इसके लिए एक बाकायदा स्थान बनाया हुआ है, जिस तरीके से इराक में यजीद से लड़ाई करते हुए करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए थे अपने परिवार वालों के और 72 साथियों के साथ, उसी तरीके से इन तमाम ताजियों को ले जाकर करबला का एक स्थान बनाया हुआ है जिसमें दफन किया जाता है। आपको बता दूं कि गढ़मीरपुर हरिद्वार जिले से बिल्कुल हरिद्वार से जुड़ा हुआ एक गांव है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर खास हरिद्वार सिटी से ये गांव स्थित है, और यहां पर 5 गांवों के ताजिए आकर इकट्ठे होते हैं। जी हाँ, आसपास के जो 5 गांव हैं उनके ताजिए आकर गढ़ में इकट्ठे होते हैं, और फिर उन्हें वहाँ से करबला के स्थान तक ले जाया जाता है। गढ़, मीरपुर, राजपुर, पूरनपुर और तेलीवाला, ये सब वो 5 गांव हैं जो जिला हरिद्वार में पड़ते हैं। इन 5 के 5 गांवों के ताजिए एक जगह आकर इकट्ठे होते हैं, और फिर वहाँ से इन्हें लेकर करबला में ले जाया जाता है, जहाँ जाकर इन्हें सुपुर्द-ए-खाक यानी दफना दिया जाता है। ये मातम के तौर पर मनाया जाता है, हज़रत इमाम हुसैन की याद में ये सब किया जाता है। लोग ये जो पट्टा खेलते हुए आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जो लाठी डंडों से प्रदर्शन चल रहा है, ये एक तरीका है जिससे वो इस चीज़ को दर्शाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन साहब के साथ वो क्यों उस समय शरीक नहीं हो पाए। हर साल ये कहावत है इस्लाम धर्म के अनुसार कि हर साल मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है, और कहावत ये है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के अनुसार जब रावण का वध होता है तो अच्छाई पर बुराई की जीत होती है, उसी तरीके से मुहर्रम की 10 तारीख को जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, तो वहाँ से ये माना जाता है कि यह जीत हज़रत इमाम हुसैन को मारने में ज़रूर कामयाब हुआ था, लेकिन वो वहाँ से लोगों के दिलों में छा गए थे, और उनका नाम आज तक भी लोगों के दिलों में गड़ा हुआ है, और ताकयामत तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक हज़रत इमाम हुसैन का नाम लोगों के दिलों से ऐसे ही जुड़ा रहेगा। तो जिस तरीके से वहाँ पर दशहरे के रोज़ जब रावण का वध किया जाता है तो बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है, इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन की याद में 10 तारीख को इन ताजियों को दफन किया जाता है, और बड़े गमगीन माहौल के साथ दफन किया जाता है। वहीं दाद देनी होगी दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की। अभी अभी कांवड़ यात्रा के सफल संचालन हो जाने के बाद अब मुहर्रम का ये सफल संचालन भी बिल्कुल शांतिपूर्वक ख़त्म हो गया। वहीं आपको इस वीडियो में लोग नज़र आ रहे होंगे, किस तरीके से भीड़ है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। वहीं इस्लामिक झंडों के साथ साथ हिंदुस्तान के तिरंगा झंडा भी आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये दिखाता है कि इस्लाम धर्म में सबसे प्रमुख सीख जो है वो ये है कि देश प्रेम सबसे पहले है। तो आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि किस तरीके से भीड़ जुटी, और ख़ास तौर पर इस वजह से भीड़ होने का जो कारण मुख्य इस बार रहा वो यह था कि पिछले 3 सालों से कोरोना के कारण मुहर्रम का जुलूस, ताजियों का जुलूस नहीं निकल पा रहा था, तो इस बार बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।